बचपन में हमने गांव में साइकिल तीन चरणों में सीखी थी। पहला चरण कैंची, दूसरा चरण डंडा, तीसरा चरण गद्दी। तब साइकिल की ऊंचाई 24 इंच हुआ करती थी, जो खड़े होने पर हमारे कंधे के बराबर आती थी। ऐसी साइकिल से गद्दी चलाना मुनासिब नहीं होता था। कैंची वो कला होती थी जहां हम साइकिल के फ्रेम में बने त्रिकोण के बीच घुसकर दोनों पैडल पर रखकर चलाते थे, और जब हम ऐसे चलाते थे तो अपना सीना तान कर टेढ़ा होकर हैंडल के पीछे से चेहरा बाहर निकाल लेते थे और क्लिक क्लिक करके घंटी इसलिए बजाते थे ताकि लोग भाग देख सकें कि लड़का साइकिल दौड़ा रहा है। आज की पीढ़ी इस एडवेंचर से महरूम है। उन्हें नहीं पता कि 8-10 साल की उम्र में 24 इंच की साइकिल चलाना जहाज उड़ाने जैसा होता था। हमने ना जाने कितने दफ़े अपने घुटने और मुंह तुड़वाए हैं, और गजब की बात यह है कि तब दर्द भी नहीं होता था। गिरने के बाद चारों तरफ देखकर चुपचाप खड़े हो जाते थे अपना हाफ कच्चा पोछते हुए। अब तकनीकी ने बहुत तरक्की कर ली है। 5 साल के होते ही बच्चे साइकिल चलाने लगते हैं, वो भी बिना गिरे। 2-2 फीट की साइकिल आ गई है, और अमीरों के बच्चे तो अब सीधे गाड़ी चलाते हैं। छोटी छोटी बाइक उपलब्ध है बाजार में, मगर आज के बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे उस छोटी सी उम्र में बड़ी साइकिल पर संतुलन बनाना जीवन की पहली सीख होती थी, जिम्मेदारियों की पहली कड़ी होती थी, जहां आपको यह जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि अब आप गेहूं पिसाने लायक हो गए हैं। इधर से चक्की तक साइकिल डुगराते हुए जाइए और उधर से कैंची चलाते हुए वापस आइए, और यकीन मानिए इस जिम्मेदारी को निभाने में खुशी भी बड़ी गजब की होती थी। और ये भी सच है कि हमारे बाद कैंची प्रथा विलुप्त हो गई। हम लोग की दुनिया की आखिरी पीढ़ी है जिसने साइकिल चलाना तीन चरणों में सीखा। पहला चरण कैंची, दूसरा चरण डंडा, तीसरा चरण गद्दी। हम वो आखिरी पीढ़ी है जिन्होंने कई कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानियाँ सुनी, जमीन पर बैठकर खाना खाया, प्लेट में चाय पी। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बचपन के मोहल्ले के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, खो खो, कबड्डी जैसे खेल खेले। ये थी 90s के बच्चों की थोड़ी सी झलकी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।